मेरे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहां पे आपका BCCI बोर्ड की तरफ से एक नई अपडेट निकल कर आई है, और ये अपडेट है आपका राज्य के चिकित्सा महाविद्यालय और अस्पतालों में जूनियर रेजिडेंट ट्यूटर और एक वर्षीय का जो है पद के लिए जो है नियुक्ति के लिए जो है पैनल निर्माण हेतु आवश्यक इन्फॉर्मेशन जो है जारी किया गया है। इसमें अगर आपने MBBS डिग्री प्राप्त किया है तो आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये नोटिस अभी कुछ देर पहले 28/4/2023 यानी अभी कुछ देर पहले जो है नोटिस जारी किया गया है। इसको में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात किया जाए तो 1551 सीटें जो है यहाँ पे दिया गया है। इसके लिए जो है आपको BCCI बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको अप्लाई फॉर जूनियर रेजिडेंट का लिंक आपको मिलेगा, जो कि आज नहीं कल से अप्लाई होगा। इसमें रजिस्ट्रेशन के लिए आपका जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके पास जो है होना चाहिए, जो कि आपका चालू हो। ऐसा ना कि बंद मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल दिया, ऐसा डालिएगा जो आपका हमेशा चालू रह सके। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन, देन फोटो अपलोड एंड सिग्नेचर्स, एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन, देन अप्लीकेशन को चेक करना है कि आपने सारा इन्फॉर्मेशन सही भरा या नहीं। उसके बाद आपको पेमेंट करना होगा। अप्लीकेशन फॉर्म का जो पेमेंट है वो 2250 रुपये आपका लगेगा, आप किसी भी कैटेगरी के हैं तो भी यहाँ पे आपका। उसके बाद पेमेंट करने के बाद आपको हार्ड कॉपी जो है प्रिंट कर लेना है। हार्ड कॉपी प्रिंट करने के बाद आपको अपने पास रख लेना है, कहीं पे भी आपको जो है शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। यदि ऑनलाइन अप्लीकेशन फॉर्म भरने के उपरांत पता चलता है कि आवेदन पत्र में भरे गए सूचना या फ़ोटो हस्ताक्षर अपलोड किए गए गलत है तो आपकी डेट जो है 14 मई को दिया जाएगा। यहाँ पे अपडेट दिया गया है, डेट इम्पॉर्टेंट डेट के बारे में बात किया जाए तो रजिस्ट्रेशन डेट जो है 29 अप्रैल यानी कल से स्टार्ट होगा, 12 मई तक जो आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। उसके बाद आपको मान लो कि फॉर्म भरने में किसी तरीके का गलती हो गया है तो ये डेट जो है आप 14 मई को कर सकते हैं। बाकी आगे का अपडेट आपको आने वाले समय में दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच।